नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल की अध्यक्षता में केडीपी की बैठक, विधायकों और अधिकारियों ने लिया भाग। मंत्री प्रभु चौहान ने पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी पुल ढहने पर नरेंद्र मोदी पर तीखी नोकझोंक की, पूछा कि त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार था। सफाई कर्मियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई। कर्नाटक में दलितों एसटी को लुभाने के लिए बीजेपी की दो बड़ी रैलियों की योजना। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, केंद्र सरकार की बड़ी जीत। हिमाचल के युवा बोले, अग्निवीर योजना लाकर सरकार ने गलत किया, हम बीजेपी को नहीं देंगे वोट। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज बीदर जिला पंचायत कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल की अध्यक्षता में केडीपी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक ईश्वर खंडरे, राजशेखर पाटिल, रहीम खान, विधान परिषद सदस्य सहित निगम के अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला से तालुका के जन समस्याओं के बारे में बताया तो वही सरकारी योजनाओं के बारे में भी मंत्री से पूछा। इस बीच बैठक के दौरान विधायक राजशेखर पाटिल कुछ मुद्दों को लेकर भड़के, वही मंत्री ने कई मुद्दों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं और कार्यों के संबंध में मंत्री को जानकारी दी, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी किशोर बाबू, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम मंच पर उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದ? ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಇದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಪಾಪ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಗಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಬಾರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹುಮ್ಲಾಬಾದ ಒಂದೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಶಾಸಕರು ಶಾಸಕರ ಸೋದರು ಯಾರಪ್ಪ, ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ. पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने सोमवार को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक औराद में पशु चिकित्सालय में पैर और मुंह के रोग के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों को पहले ही वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है। पशुपालन विभाग के सभी जिलों के उपनिदेशक और सहायक निदेशक को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि यह अभियान सफल हो। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के उन सभी मवेशियों का टीकाकरण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो इस बीमारी के प्रति संवेदनशील है, जिनमें बैल, गाय और भैंस शामिल है। पैर और मुंह की बीमारी को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका टीकाकरण है और बीमारी से पूर्ण सुरक्षा के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार टीकाकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अतीत में चाहे कितने भी बार टीकाकरण किया हो, सभी मवेशियों को हर 6 महीने में होने वाले सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम में बिना चूके टीका लगाया जाना चाहिए। टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क किया जाता है। विभाग के चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी किसान के घर आकर टीका लगवाते हैं, उन्हें आवश्यक सहयोग दिया जाए और उनके पशुओं का टीकाकरण किया जाए। मंत्री ने किसानों से अपील की है कि मवेशी पालने वाले सभी किसान अभियान का लाभ उठाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यह गर्व की बात है कि बीदर जिले के घाट बोरवेल के प्राथमिक केंद्र में कार्यरत लक्ष्मी मेत्रे को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी मेत्रे को पहले भी राज्य, जिला, तालुका सहित अन्य पुरस्कार उनके कार्य को देखते हुए दिए गए हैं। वही आज यह राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मी मेत्रे को देकर सम्मानित किया है। लक्ष्मी मेत्रे ने यह पुरस्कार हासिल कर बीदर जिले का नाम रोशन किया है। यह सभी बीदर वासियों के लिए गर्व की बात है। लक्ष्मी मेत्री यह हासिल कर जिले के अन्य लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं।
अब समाचार राज्य की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी पुल ढहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया, जिसमें 138 लोग मारे गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी के कई गुना किसी के हाथ का कौशल के कारण पुल का उद्घाटन करने के कुछ ही दिनों बाद यह त्रासदी हुई। मोरबी पुल की मरम्मत 2 करोड़ रुपए की लागत से की गई थी। मोदी जी ने इस परियोजना का उद्घाटन भी किया। मुझे नहीं पता कि यह उनका कई गुना है या नहीं। यह 5 दिनों में ढह गया और 138 लोग मारे गए। कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें सम्मानित करने के लिए रविवार को बेंगलुरु में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में बोलते हुए खड़गे ने कहा, किसे जिम्मेदार ठहराया जाना है? क्या किसी ने इस्तीफा दिया है? क्या आपने नरेंद्र मोदी कम से कम इस्तीफा दे दिया? जब पश्चिम बंगाल में इसी तरह की त्रासदी हुई थी, तब मोदी ने दावा किया था कि यह पश्चिम बंगाल सरकार की बुराइयों के लिए भगवान का प्रकोप है। यहाँ गुजरात में त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि 11,136 सफाई कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है और बेंगलुरु में दूसरे और तीसरे चरण में ऐसे अन्य श्रमिकों और शहर के बाहर काम करने वाले अन्य लोगों पर विचार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बोम्मई ने कहा, सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिए गठित एक समिति की सिफारिश के अनुसार स्वच्छता कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया। दलितों और उत्पीड़ित वर्गों का कल्याण हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ बयातरायनपुरा विधानसभा क्षेत्र में अम्बेडकर भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। बोम्मई ने कहा कि सफाई कर्मियों के जोखिम कोष में वृद्धि की गई है। 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जनजातियों और दलितों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पार्टी 20 नवंबर को बेल्लारी में एसटी का एक विशाल सम्मेलन और 30 नवंबर को मैसूर में अनुसूचित जाति की रैली का आयोजन करेगी। सत्तारूढ़ भाजपा ने पिछले महीने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% और अनुसूचित जाति के लिए 15% से 17% करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इसके अलावा दलितों को 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने जैसे कल्याणकारी उपायों की घोषणा की थी। अनुसूचित जनजाति और दलित संयुक्त रूप से 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बना या बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी ने रणनीतिक रूप से अपने एसटी सम्मेलन की मेजबानी के लिए बेल्लारी को चुना है, क्योंकि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में एसटी आरक्षित विधानसभा सीटों और एमपी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। जालसाजों के एक समूह ने कर्नाटका के गदग जिले में 3.1 करोड़ रुपए के ऋण का लाभ उठाने के लिए नकली सोने के गहने गिरवी रखकर 2 बैंकों को कथित तौर पर धोखा दिया। पुलिस के मुताबिक पहले मामले में आरोपी ने IDBI बैंक से 1.43 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए 4,870 ग्राम नकली सोने के गहने गिरवी रखे थे। दूसरे मामले में उन्होंने यूनियन बैंक से 1.58 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए 4,983 ग्राम नकली सोने के गहने गिरवी रखे। पुलिस के मुताबिक बैंकों में जेवरात के दौरान घोटाला सामने आया। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8484221297।
दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9880040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3-स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3-स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। बीदर अल्ली फर्स्ट टाइम 3-स्टार होटल ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿದರ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಔರ್ ಸಸ್ಯಾ ನಾಮ್ ಸೆ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಾರ್, ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, 1500 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಓಪನ್ ಲಾನ್, 100 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಭಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೈ ಜಿನ್ಮೇ ಸಭಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸುವಿಧಾ ಹೈ। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालवे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहां पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार जरूर चले आइए। वाइब 3-स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहां पर मैं 2-3 बार आया हूं और यहां का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल हैं यहां पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3-स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े होटल जीएम 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मेले के सामने बीदर में एक अच्छे से 3-स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और हौरे के हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। देखिए बात, स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से संविधानिक और वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने बहुमत का फैसला दिया है और 2019 का संविधान में 103वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया गया है। अदालत ने कहा, ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ। इसी के साथ आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं खारिज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
EWS कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को बाधित नहीं करता है। EWS कोटे से सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा होगा। EWS कोटा कानून के समक्ष समानता और धर्म जाति वर्ग लिंग या जन्म स्थान के आधार पर और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। वही जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि इस 10% रिजर्वेशन में से SC ST OBC को अलग करना भेदभावपूर्ण है। CJI ललित ने इसे असंवैधानिक करार दिया और वही जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने भी असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि 103वां संशोधन भेदभावपूर्ण है। दोनों ने बहुमत के फैसले पर असहमति जताई है। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना के बाद हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चुनाव में अग्निवीर योजना एक मुद्दा है। यहां के युवाओं ने कहा है कि हम केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना से नाराज हैं, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। हालांकि बीजेपी अपने बचाव में हमेशा कहती है कि उसकी नोटबंदी GST जैसी योजनाएं सफल रही हैं, तभी लोग उनको वोट देकर राज्यों में भी जिता रहे हैं। अब सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना के बाद हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। युवाओं ने कहा है कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं जिससे बच्चे ओवरएज हो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता, किसी की कहीं सुनवाई नहीं होती। एक युवा ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में उनका चयन हो गया था लेकिन बाद में भर्ती ही कैंसिल हो गई। झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने लाभ के पद के मामले में दूसरी राय को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के अनुरोध के प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है। इससे पहले 27 अक्टूबर को बैस ने कहा था कि उन्होंने मामले में दूसरी राय मांगी है। उन्होंने दावा किया था कि झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट हो सकता है। उन्होंने मामले में लंबित अपने निर्णय की और इशारा करते हुए यह बात कही थी। सोरेन ने कहा, मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के दूसरी राय के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है। उन्होंने कहा, वकील ने मेरी ओर से कहा है कि निर्वाचन आयोग राज्यपाल द्वारा किए गए दूसरे अनुरोध के आधार पर कोई राय देने से पहले निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। भाजपा ने लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को झारखंड के राज्यपाल को अपना फैसला भेजा था, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में केवल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी केवल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना नाता तोड़ने के महीनों बाद आजाद ने कहा है कि वे इसकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं थे बल्कि इसके कमजोर सिस्टम के खिलाफ थे। श्रीनगर में बात करते हुए आजाद ने कहा, हालांकि मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था, यह केवल पार्टी की व्यवस्था के कमजोर होने के कारण था। मैं अभी भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हिंदू मुस्लिम किसानों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन राज्यों में कुछ नहीं कर सकती, वे पंजाब में विफल हो गए हैं और पंजाब के लोग उन्हें दोबारा वोट नहीं देंगे। भारत में आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे 2022 का चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है, 8 नवंबर 2022 को लगने जा रहा है। इसके बाद फिर ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 साल बाद 14 मार्च 2025 को लगेगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आंशिक और पूर्ण ग्रहण देख सकते हैं। नासा के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण उत्तरी और मध्यम अमेरिका और इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला और पेरू के पश्चिम हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी दिखाई देगा। इसके अलावा अलास्का के लोगों को ग्रहण के हर चरण को देखने का अवसर मिलेगा। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण केवल पूर्वी भागों में दिखाई देगा, वही आंशिक ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देगा। शहरों की बात करें तो कोहिमा, अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, पटना और रांची में पूर्ण ग्रहण लगेगा। इसके साथ ही अन्य शहर जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत,
पुणे, जयपुर, लखनऊ, मदुरई, उदयपुर और भारत के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भागों में अधिक शहरों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। लोग चंद्रोदय के समय से ही इस घटना को देख सकेंगे। हालांकि आंशिक और पूर्ण ग्रहण का प्रारंभिक चरण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों घटनाएं तब शुरू होती हैं जब चंद्रमा भारत में हर जगह क्षितिज से नीचे होता है। तालिबान आखिरकार अपने संस्थापक मुल्ला उमर की कब्र के स्थान को सार्वजनिक कर दिया है। मुल्ला उमर की कब्र को तालिबान ने कई सालों तक गुप्त रखा था। अमेरिका के अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ने के बाद साल 2001 में तालिबान सत्ता से बाहर हो गए थे। उसी समय उमर की तबीयत, उसके स्थान के बारे में कई अफवाहें उड़ी। तालिबान ने केवल 2015 में जाकर माना कि 2 साल पहले उसकी मौत हो गई। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने रविवार को AFP को बताया कि तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला उमर की कब्र पर रखे गए एक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए, जो जाबुला प्रांत में मौजूद सूरी जिले में उमरजो के निकट मौजूद है। तालिबान ने पिछले साल अगस्त में सत्ता में वापसी की थी और अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं को अफगानिस्तान से जाना पड़ा था। इसे 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। कमल हासन की इस फिल्म को लेकर मचा था बवाल। मूवी का क्लाइमैक्स देख जान देने पर उतारू हो गए थे प्रेमी जोड़े। अब समाचार खेल जगत की। इंग्लैंड भी हमें, अंग्रेजों के साथ सेमीफाइनल मुकाबले से रोहित शर्मा का बयान हुआ वायरल। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 14 दिसंबर तक देश में 32 लाख शादियां, 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा व्यापार। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल की अध्यक्षता में KDP की बैठक, विधायकों और अधिकारियों ने लिया भाग। मंत्री प्रभु चौहान ने पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी पुल ढहने पर नरेंद्र मोदी पर तीखी नोकझोंकी, पूछा कि त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार था। सफाई कर्मियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई। कर्नाटक में दलितों ST को लुभाने के लिए BJP की 2 बड़ी रैलियों की योजना। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, केंद्र सरकार की बड़ी जीत। हिमाचल के युवा बोले, अग्निवीर योजना लाकर सरकार ने गलत किया, हम BJP को नहीं देंगे वोट। KP News के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।